बेस्ट अपकमिंग एनिमेज जिनके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें उन्हीं के बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा तुम्हें हाइप्ड अप कर दूंगा उन आगे आने वाले एनिमेज के लिए। तो चलो इसलिए बिना टाइम वेस्ट ना किए वीडियो करते हैं शुरू। जो अपना सबसे पहला एनिमे है वो कोई नया तो नहीं है, लेकिन इसके लास्ट एपिसोड का है ना मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ अटैक ऑन टाइटन के फाइनल एपिसोड के बारे में। मतलब भाई इतना वेट कराया ना इसने, इतना वेट कराया, बट फाइनली ये 4th of November को आने वाला है जिसको हम फाइनली देख पाएंगे। और अगर यार मेरे को तो है ना ये थिएटर्स के अंदर देखना, और ये थिएटर्स के अंदर देखने को मिल जाए ना तो मतलब मजा ही आ जाएगा। तुम लोग क्या कहते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और तुम लोग इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो भी लिखना। बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर की तरफ। सेकंड नंबर पे जो एनिमे आता है ये भाई बहुत क्लासिक और अच्छा एनिमे है। अगर तुम लोग कार एंथुसियास्ट हो या फिर तुम कार लवर हो तो तुम्हें इनिशियल डी एनिमे के बारे में तो पता ही होगा। अगर तुम्हें कार लवर हो ना और तुमने इनिशियल डी एनिमे को नहीं देखा, इसका मतलब अभी तक तुमने कार कम्युनिटी को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं किया, क्योंकि कार कम्युनिटी के अंदर इनिशियल डी का भाई इतना बड़ा नाम है ना, और इतने सारे कार एंथुसियास्ट और ड्रिफ्ट राइडर्स मतलब अलग अलग लोगों ने है ना इस एनिमे को देखा है, और सबसे ज्यादा फेवरेट है ये उन लोगों का और मेरा भी। मतलब इसके अंदर तुम्हें ऐसी ऐसी क्लासिक चीजें देखने को मिलेगी ना, और ये फाइनली कई सालों बाद रिटर्न कर रहा है अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ जिसका नाम है MF घोस्ट। भाई बहुत तगड़ा एनिमे है, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें कार से रिलेटेड इतनी सारी नॉलेज मिलेगी और इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेगी ना। मतलब कुछ भी सीखना है तुम्हें ड्रिफ्टिंग के बारे में, कार्स के बारे में, तो इस एनिमे को जरूर देखना। और अगर तुम MF घोस्ट को देखोगे ना तो इससे पहले इसका पुराना पार्ट यानी कि इनिशियल डी को जरूर देख लेना, वो तुम्हें गूगल पे मिल जाएगा उसका किस तरीके से लाइनअप है। मतलब थोड़ा सा पुराना है लेकिन मैं बता रहा हूं उसको देखना पूरा वर्थ इट होगा वो। इसके बाद जो अपना अगला एनिमे है वो थोड़ा सा है ना वाइल्ड है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा वाइल्ड है। एनिमे का नाम दी 100 गर्लफ्रेंड हू रियली 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 लव्स यू। अब तुम्हें लग रहा होगा मैंने इतना रियली क्यों बोला, लेकिन इसके नाम में इतने ही रेली है। इस एनिमे के अंदर अपना जो मेन कैरेक्टर है उसकी 100 गर्लफ्रेंड होती है। हाँ तुम लोगों ने सही सुना, 100 गर्लफ्रेंड। भाई लोग एक नहीं संभाल पाते, ये पता नहीं 100-100 कैसे संभालेगा, वो तो इस एनिमे को देख के ही पता चलेगा। बट ये एनिमे इसी अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, 8 अक्टूबर से एनिमे स्टार्ट हो चुका है और इसके अभी तक कुछ एपिसोड आ भी चुके हैं, और जो भी उस एपिसोड के अंदर दिखाया गया ना भाई वो बहुत ज्यादा अजीब है, और मैं देखना चाहता हूं कि कैसे इसकी स्टोरी आगे बढ़ेगी। और धीरे धीरे जब ये एनिमे और भी ज्यादा बड़ा होता जाएगा और कैरेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होते जाएंगे, मैं देखना चाहता हूं अपने मेन कैरेक्टर का क्या हाल होगा, बट वो तो हम लोग देख लेंगे। लेकिन इसके अलावा है ना एक और एनिमे है जो कि इसी की तरह है लेकिन इससे थोड़ा छोटा वर्जन है। एनिमे का नाम गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अब गर्लफ्रेंड के वजह से तुम लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी, इसके अंदर भी गर्लफ्रेंड के बारे में चीजें हैं, बट इसके अंदर है ना एक बंदे की 4 या 5 गर्लफ्रेंड है। पिछले वाले की 100 थी, इसकी 5 है, थोड़ा सा कम है लेकिन भाई हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है। तो अगर तुम्हें रेंट अ गर्लफ्रेंड जैसे एनिमे पसंद है तो तुम्हें ये वाला एनिमे भी जरूर पसंद आएगा। मतलब इतना ज्यादा अजीब नहीं जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो भी चीज दिखाई गई है ना वो काफी ज्यादा मतलब कॉमेडिक वे में दिखाई गई है, और रेंट अ गर्लफ्रेंड जितना मतलब इतना ज्यादा चीप भी नहीं लगता। बट अगर इन गर्लफ्रेंड वाले एनिमे को साइड में हटा दिया जाए तो इनके अलावा एक एनिमे है जिसके लिए मैं नहीं भाई बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। एनिमे का नाम निंजा कामुई। इस एनिमे का जब टीजर आया था ना भाई वो इतना ज्यादा वायरल गया था और लोगों ने उसकी इतनी ज्यादा बातें करी थी, क्योंकि उस टीजर के अंदर ऐसा ही था। वो टीजर इतना ज्यादा ब्लडी और उसके अंदर फाइटिंग सीन्स इतने मस्त दिखाए गए थे कि सब लोग इसके आगे आने वाले एनिमे के लिए एक्साइटेड हो गए थे। लोगों को जाननी थी इसकी स्टोरी, बहुत सारे लोगों ने तो इसकी मांगा पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। मैंने भी इसके 2 चैप्टर्स पढ़े थे, लेकिन मैंने सोचा कि भाई जिस तरीके से मांगा के अंदर एक्शन दिखाया जा रहा है ना वो एनिमे के अंदर कितना ज्यादा अच्छा लगेगा, उसी वजह से मैंने इसकी मांगा के 2 चैप्टर पढ़े। बट मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी और इस तरीके की फाइट देखने को मिलेगी जो कि तुम्हें अभी तक किसी भी एनिमे के अंदर देखने को नहीं मिली। क्योंकि अभी तक जितने भी एनिमेज आते हैं उनके अंदर सुपर पावर होती है, मतलब वाइल्ड आते हैं, थोड़े बहुत ब्लास्ट होते हैं, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट है ना उनके अंदर कम ही होता है। इसके अंदर हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत ज्यादा तगड़ा दिखेगा तुम्हें, जिसके वजह से ये एनिमे थोड़ा सा है ना रियलिस्टिक वे की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सुपर नेचुरल इतनी ज्यादा पावर्स नहीं है लेकिन रियलिस्टिक वे के अंदर दिखाया जाएगा, तो इसलिए उसको देखने में थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा। तो हाँ यही है वो ऐसे अपकमिंग एनिमेज जिनके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ,
और कुछ तो आ गए हैं, वो देखना स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो वो देख के जब वो पूरे हो जाएंगे तो उनका रिव्यू इस चैनल के ऊपर आ जाएगा। तो उनको देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और मुझे बताना कमेंट्स के अंदर कि तुम लोग कौन से एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, और इनके अलावा कोई और भी एनिमे है तो उसका भी नाम तुम लिख सकते हो। और अगर यहां तक ये वीडियो देखा है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नई किसी वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।